अजमेर के आतैदम की बगीची में रहने वाले विजय सिंह रावत ने घर का दरवाजा बंद कर पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर क्रिश्चनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पर विजय पंखे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम परिजनों को सौंपा गया। विजय सिंह द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह है, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं परिजनों का कहना है कि वह बेरोजगारी में आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था, जिसके कारण उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, कल रात को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसमें बताया था कि आतेड़ जो कि बगीची के पास है, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने मकान के अंदर विजय सिंह रावत का नाम का व्यक्ति था, जिसने सुसाइड कर लिया है। मौके पे पहुंचे थे तो अंदर से गेट बंद था और लगभग घटना 4-5 बजे की बताई थी। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश किया। बॉडी पंखे से झूलती हुई मिली थी, जिस पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई गई थी, फोटोग्राफी करवाई, बॉडी को नीचे उतारा गया था और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया था। कारण सुबह उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। कारण सामने आया कुछ? देखिए, घर में उसके वाइफ थी, उसके बच्चे थे, जिन्होंने बताया था और आस पड़ोसी बताते थे कि ये व्यक्ति शराब पीने का आदी, लगातार शराब का सेवन करता रहता था, घर वालों से भी लड़ता रहता था। आज किसी पर्सनल व्यक्तिगत कारण से, वो जांच का विषय नहीं है, किस कारण से उसने आत्महत्या। क्या काम करता था कुछ सामने? ये कोई मजदूरी का काम करता था। ठीक है।